गुड मॉर्निंग ताया जी। गुड मॉर्निंग बेटा। ताया जी, फिर मैं कदों अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ? असी बहुत मेहनत कीती है। आ देखो, यह इन्वेस्टमेंट प्लान, ते ए मार्केटिंग, ए एक्सपेंशन, ते प्रमोशनल भी है। ताया जी, रिक हैज ऑल्सो वर्क रियली हार्ड ऑन दिस। तो ठीक है बेटा, पर मैं भी तुम्हारे नाल एक बहुत जरूरी गल करनी है। हाँ जी ताया जी, दसो ना। तुम्हारे ब्याह बारे बेटा। ओहो ताया जी, तुसी फिर मेरे ब्याह दी गल लेके बैठ गए। पुत्र राजे, जे तुम्हारी मदर जीवंदे होंदे तां इह गल उन्होंने करनी सी। ताया जी, प्लीज ग्रो अप, लिव इन रिलेशनशिप दा टाइम है। 4-6 महीने इकट्ठे रह के देखो, जे कंपैटिबिलिटी होए तां ठीक है, नहीं तां डड हो जाओ। अजकल व्यादी कॉम्प्लिकेशंस विच कौन पैंदा है ताया जी? सशिकाल अंकल। सशिकाल बेटा, आओ बैठो। गाइस, एनीथिंग सीरियस? नहीं बेटा, एहो जी कोई गल नहीं। दरअसल मैं नवी पीढ़ी दी नवी सोच विच उलझ गया है। चलो खैर छड्डो, होर सुना पुत्र, घर सब ठीक ठाक है? ऑल इज वेल अंकल। एक्चुअली आज रिक दा बर्थडे है और निमी पार्टी दे रही है। बाय अंकल, सी या। बाय बेटा। ताय जी, प्लीज मेरे व्यादी टेंशन लेनी छड़ो। आई नो व्हाट आई एम डूइंग, इट्स माय लाइफ, प्लीज लेट मी लिव माय वे। निमी बेटा, प्रसाद ले लो। मैं ले लूं। सर। ये मैं तो बिजनेस प्रपोजल ताई जी तो ओके करा के गिफ्ट करना सी, बट एज यूजुअल ताई जी फिर मेरे ब्याह दी गल लेके बैठ गए। फिर क्यों होया? होना की सी, मैं कहता निम्मी विल लिव अ लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स, रिलैक्स, मैं किसी नाल ब्याह नहीं करवाना। सॉरी मैम, योर कार्ड इज डिक्लाइन। ताई जी प्लीज ओपन द डोर। ताई जी तुहानू पता है कल मैं अपने फ्रेंड्स के सामने किन्नी एम्बैरेस हुई हां। एक जवान थी अद्धी रात नु ड्रिंक करके घर आउंदी है तां ओहदे पेरेंट्स नु किन्नी एम्बैरेसमेंट हुंदी है, ए भी पता है? Please, Taiji, I'm an adult now. I have every right to live my life my own Absolutely way. Absolutely right, beta. Ek taya hon de nate, mere kol bhi e right hai ke tenu main galat raste jaan to roka. Taiji, friends naal party karna galat hai? Bilkul nahi, beta. Par tuhadi umar hun friends naal partiyan di nahi, balki vyah kara ke ghar basaun di hai. Taiji, tusi phir mere vyah di gal chhed li. Tusi hale tak mere business proposal nu approve nahi kita. की है मैं जान सकता? ये प्रपोजल किदा है? तोड़ा? जा रिक दा? साड़ा दोनों दा है, वी आर फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स। देखो बेटा, रेनी भी तोड़ी दोस्त है। मैं कदे उदे बारे कुछ किया? नहीं ना, क्योंकि वो एक चंगी कुड़ी है, पर एक मेलो ठीक नहीं लगता। की खराबी उदे विच? उदे विच अच्छा है भी की। अजे तां असीं सिर्फ बिजनेस बारे सोचे हां, ते वेरी सून असीं लिव इन मूव करन वाले हां। बेटा फिर एक काम करो, तुसी ओदे नाल मूव हो ही जाओ। मैं भी एक ट्रस्ट बनाने बारे सोच रहा हूं, जो इस सारी प्रॉपर्टी की केयर टेकर होएगी। मतलब? मतलब ये कि जे तुसी रेक नाल अपना रिश्ता रखना चाहते हो तां इत्थों जा सकते हो। मैं समझी नहीं। समझ तां तुसी गए हो बेटा जी, पर एक बार तुहानू मैं फिर समझा देना कि जे तुसी अपनी जिंदगी पहला वांग बिताउणा चाहुंदे हो तां तुहानू ओह करना पएगा जो प्रॉमिस मैं तुहाडे पेरेंट्स नाल कीता सी। प्रॉमिस? की प्रॉमिस कीता सी? इहो कि तुहाडा व्याह मैं पंजाब दे मुंडे नाल करावांगा। ताई जी, दिस इज नॉट फेयर। ताई जी, पुत्र मेरी गल मन्नो ते व्याह करवा लो। मैं इंडिया तुहाडी अमरो मासी दे नाल तुहाडे व्याह दी गल करदा। ओके,
जे मैं व्याह करा भी लवा तो एदे च की गारंटी है कि तुहाडे वाला पंजाबी मुंडा ठीक ही होएगा? गारंटी दा पुत्तर किसे चीज दी नहीं, पर हाँ यह गल जरूर है कि तुहाडे पेरेंट्स नूं कीता होया मेरा प्रोमिस पूरा हो जाएगा ते मैं अपने मन ते बोझ लेके नहीं मरांगा। ताई जी प्लीज। चल सुखी। बेटा हुण ये एंटायरली तुहाडी चॉइस है कि तुसीं अपनी जिंदगी नूं किवें जीना चाहते हो। हेलो मासर जी। पुत्र मैं मासी बोल दी हां। आ मासर तेरा फोन करे भूल गया, तू आए कर गड्डी लेके घरे ही आ जा। जी मासी जी। आ लो मासर जी भी आ गए। सत श्री अकाल मासर जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आ गया गदौरी करके जहाज देखने दे चौ च इशू करके निकल गया। आ फोन आपकी मां वास्ते रखे गया सी। बोलदा क्यों नहीं, सप सुन गया तेनू? फूफ की करी जाना है? आ कुड़ियां बैठिया ने, नहीं तो तेरी सारी फूह कढ़ देनी सी मैं। हुण खंगी की जाना है? खऊ खऊ खऊ। जा दवाई ले ले जाके। ਪੀਤਾ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀਓਗੇ? ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਫੜਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਜਨਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੱਜੀ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਭੂਤਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਓਏ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ। ਲਓ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵਧਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। जीत दा रिश्ता पक्का करता फिर तो दो बनते ने जी। अर्जन साडे पिंड दा दिल, मेरा मतलब हार्ट। ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪੈਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਈ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਪੁੱਤ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ। ਬੇ ਬੋਲਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ? ਚਾਹ? ਨਾ ਨਾ ਤਾਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਨਿੰਮੀ ਤੂੰ ਜਾਇਆ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹਿਰ? ਨਹੀਂ ਮਾਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਰੈਨੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਰੈਨੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ। ਓਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਜਾਇਆ ਹੋ? ਹਾਂ ਹਾਂ। ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੋਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋ। ਮਾਸੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚੰਗਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਨਾਲ ਬਰੀ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਈ। ਆਹੋ ਚਲੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਚੱਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਕਦੇ। ਚੰਗਾ ਬਾਏ। ਬਾਏ। हेलो। हेलो माय बेबी, की हो रहा है? सब कुछ प्लान दे हिसाब नाल ही हो रहा है, यू डोंट वरी। दैट्स ग्रेट। एक काम खत्म करके जल्दी वापस आ जा। या मिसिंग यू।
Missing you too, baby. Bye. शीशा टूट गया सी गल शीशा टूट गया जी कुड़ियों की टूट गया थोड़ा क्यों हेड़ हेड़ करी जानी हो कुछ नहीं होया मासी जी ना फिर दंद काते कटे हैं आजकल दिया कुड़ियां ना बस पूछो ही ना ले जीत पुत आ गया पैरी पेना जी की हाल है पुत सब बढ़िया जी किमे आया मैं ताजी निम्मी नु मिलन आया सी अच्छा चंगा तुसी मिल लो हां जी मैं गुरुद्वारे दूध आवा ठीक है जी सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल चीजा जी सत श्री अकाल सत श्री अकाल जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੱਲਿਆਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪੱਟੂਗੀ ਵਾਟ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲਕਣੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਡੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੰਝੋੜਿਆ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਠੱਪਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਚੋਂ ਨਾ ਕੱਟ ਦੂੰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜੀਤ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟੈਣ ਵੀ ਸੱਤ ਕਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੱਚਰ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਇਸ ਡੈਣ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਜੀ ਬਾਏ ਬਾਏ ਜੀਜਾ ਜੀ ਵੱਡੀ ਆਈ ਜੀਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਤਰ ਬਣਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ